प्रेस के साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो इलेक्शन हमने जम्मू और उधमपुर सीट पे लड़ा, आप लोगों का बहुत सहयोग रहा, आपने बहुत अच्छी कवरेज हमको दी और बहुत अच्छा, हमेशा आप हमारी रिक्वेस्ट पे आते हो, कवर करते हो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और हमारे प्रोग्राम आपने काफ़ी कवर किए, अच्छी कवरेज दी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आपको तो सबको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन का नतीजा कल 4 तारीख को पूरे देश में निकला और जहां तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, यहां भी हमने जम्मू की 2 सीटों पे लड़ा और कश्मीर की 3 सीटों पे हमने अपने अलायंस पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस की मदद की और हमारे दोनों साथी रमन बल्ला साहब जम्मू से लड़े और चौधरी लाल सिंह जी कुठवा उधमपुर से लड़े, चनाब वैली से भी। तो एक अच्छा इलेक्शन हमने लड़ा और मैं उन लोगों का बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ अपनी पार्टी की तरफ से जिन्होंने हमको वोट दिया और दोनों सीटों पे हमने 10 लाख के करीब वोट लिया, चाहे लाल सिंह जी ने लिया या रमन बल्ला साहब ने लिया, 10 लाख के करीब वोट लिया। और जो वोट परसेंटेज हम रजौरी पूंछ से लेते थे, बदकिस्मती से वो एरिया कश्मीर में डाल दिया, नहीं तो आज हम 2-3 लाख से ये सीट जीत गए थे। चलो जो हुआ ठीक ही हुआ, जो लोगों का मंशा होता है वही होता है इलेक्शन में, लेकिन फिर भी एज़ पर परसेंटेज बहुत ज़्यादा परसेंटेज हमारी बढ़ी। पिछली बार हम उधमपुर की सीट जो हैं करीब करीब 4.5 लाख वोटों से हारे थे और इस बार हम उधमपुर की सीट 1.25 लाख वोट से हारे। इसका मतलब है कि 3.25 लाख वोट वापस कांग्रेस पार्टी में आ गए। इसी तरीके से जम्मू में अगर रजौरी पूंछ को कट किया जाए, जो हमने वोट लिया था रजौरी पूंछ से, तो हमने 2.25 लाख वोट टोटल लिए थे। जो हम अपनी कैलकुलेशन को कट करते हैं तो 2.25 लाख से हम 5.5 लाख 5.25 लाख पे पहुंच गए। 5 लाख बूंजा 1000 वोट हमने 2.25 लाख से क्रॉस करके 5 लाख बूंजा 1000 तक पहुँचे। वजह काफ़ी चीज़ें थी, एक वजह ये था कि हम नहते खाली हाथ इलेक्शन लड़ रहे थे क्योंकि हमारी पार्टी के सारे अकाउंट फ्रीज हुए थे, हमें पार्टी से 10 पैसे की कोई मदद नहीं मिली। उसके बाद दूसरी चीज़ें भी काफ़ी फैक्टर है, जो अपोजिट पार्टी है उनके पास पैसे की तो कमी नहीं है। मैं अपने एरिया की बात करूंगा कि एक रात में मेरा ब्लॉक प्रेसिडेंट खरीदा गया 2-3 लाख रुपए में, एसटी समाज का ब्लॉक प्रेसिडेंट। तो इसी तरीके से खरीदो फरोख्त बहुत हुई दोनों इलेक्शंस में, चाहे उधमपुर में हुई चाहे जम्मू में हुई, और अपोजिट हमारे पास कोई पैसा ही नहीं था। तो जिस हिसाब से हमने अपनी गाड़ियाँ, वर्करों ने माँ पैसा लगाया, खुद वर्करों ने तेल डाला, खुद वर्करों ने काम किया, तो हम उन वर्करों का भी शुक्रगुजार हैं। जैसे बीजेपी ने 2014 से कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया था, वो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा आप देख रहे हैं कि आस्ता आस्ता कांग्रेस पार्टी जो है दोबारा सत्ता में आ रही है, क्योंकि जो भी गारंटी और जो भी वादे बीजेपी ने किए थे वो वादे कहीं ना कहीं फेल हो गए उनके। जो चाहे वो रोज़गार के वादे थे, चाहे 15 लाख के वादे थे, चाहे किसानों का कर्जे का माफ वादा था, चाहे डेली वेजर परमानेंट करने का वादा था, वो वादे उल्टे हुए। हमारी स्टेट जो है बर्बाद कर दी गई, उसको यूटी बनाया गया, उसके 2 हिस्से किए गए। इसी तरीके से यहाँ पे बेरोज़गारी 1 पे है, ये तो आंकड़ों में दिखाते हैं, हरियाणा 1 है, 2 है जम्मू कश्मीर, लेकिन जम्मू कश्मीर 1 पे है क्योंकि ना हमारे पास कोई इंडस्ट्री है यहाँ, ना हमारे पास ज़मीनें हैं। हरियाणा के पास इंडस्ट्रीज़ भी है, ज़मीनें भी है, वो लोग
कुछ ना कुछ अपना काम करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग खासकर वैली के भी और हमारे पहाड़ी एरियाज के बिल्कुल बेरोज़गारी में वो इस वक्त बहुत परेशान हैं। इसी तरह से फौज और पुलिस की भर्तियाँ भी ख़त्म कर दी गई, इसी तरीके से घर घर स्मार्टर मीटर लगा दिया गया, जम्मू का कारोबार यहाँ के दरबार मुँह से ख़त्म किया गया, यहाँ की ज़मीनों का कारोबार था वो ख़त्म हुआ, सब कुछ इफेक्ट पड़ा। उसी की वजह है कि हमारा वोट परसेंटेज इतना बड़ा। बदकिस्मती से हमारी उधमपुर की सीट का इलेक्शन फर्स्ट फेज़ में ही था, एक तो रोज़े थे, रोज़ों में हम ज़्यादा कंपेन नहीं कर पाए, रोज़ों के बाद 4 दिन टोटल बचे थे कंपेन के, तो उसकी वजह से भी हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई। तो मैं ये कहूँगा कि मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ जम्मू कश्मीर के लोगों का, और इंशाल्लाह अगर हमारी सरकार सेंटर में बनती है तो जो वादे हमने किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वो हम फिर भी निभाने की कोशिश करें, चाहे हमारी सीटें दो आए ना आए, क्योंकि यहाँ बहुत परेशान लोग हैं, यहाँ के लोगों की परेशानी को ख़त्म करना हमारा अवलिन फ़र्ज है, क्योंकि पॉलिटिक्स हम इसीलिए करते हैं कि हम लोगों की सेवा करें, हम लोगों की सरकार दें, लोगों की एस्पायरेशंस के खिलाफ कोई काम ना करें। मैं पहली बात बोलूँगा, 2014 में कोई मैनिफेस्टो में बीजेपी में ये नहीं था कि हम जम्मू कश्मीर की स्टेट को यूटी बनाएंगे, हम यहाँ में 10 साल इलेक्शन नहीं करेंगे, हाँ यहाँ हम घर घर स्मार्ट मीटर लगाएंगे, हम यहाँ लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स लगाएंगे, हम यहाँ 200 साल की ज़मीनें छीनेंगे। ये तो सारे ऐसे काम हैं जो लोगों के खिलाफ है, लोगों के अगेंस्ट है, लेकिन कांग्रेस जो है लोगों के साथ चलती है, हम लोगों को नाराज़ नहीं करते हैं। अगर हम आते तो यहाँ का डेली वेजर जो है वो परमानेंट हो जाता। आगे पूरा कोशिश करेंगे और हम उनके लिए सड़कों पे खड़े हैं, जहाँ हमें लगेगा कि गवर्नमेंट सही है वहाँ तारीफ करेंगे, लेकिन जहाँ हमें लगेगा कि गवर्नमेंट ख़राब है, गवर्नमेंट गलत काम कर रही है, काफ़ी घोटाले हुए यहाँ, जल शक्ति मिशन में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, IAS ऑफिसर ने निकाला, यहाँ स्मार्ट सिटी का घोटाला, सरकार बनती है तो स्मार्ट सिटी का इतना बड़ा घोटाला निकलेगा जम्मू और कश्मीर में, ये लूटा गया और यहाँ कुछ ज़मीन पे नहीं लगा सारा पैसा। ये भी सारी बड़ी बड़ी बातें हैं जो होंगी। तो बहरहाल मैं राहुल गांधी जी को बहुत बड़ी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिस राहुल गांधी जी के खिलाफ़ इतने प्रोपेगंडे बीजेपी सरकार ने किए, अपना IT सेल 10-15 साल से एक ही आदमी के खिलाफ लगा के रखा है, वो है राहुल गांधी जी। वो आदमी जो फॉरेन से MPhil करके इकोनॉमिक्स में, जो आपकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी जवाब को हाजिर जवाब रहता है, और एक साफ सुथरा आदमी, नेक आदमी, ईमानदार आदमी, जिसने पूरे देश की इतनी बड़ी पदयात्रा किसी ने आज तक नहीं की, देश को जोड़ने की बात की, मोहब्बत की दुकान कम्युनल पॉलिटिक्स के खिलाफ खोलने की बात की, आज उस चीज़ को लोगों ने एक्सेप्ट किया, थोड़ी सी फर्क रही, नहीं तो हमारी अपनी बहुमत होती, हिंदुस्तान की इंडिया सरकार बनती। लेकिन मुझे आज भी यकीन है कि अगर सरकार NDA की बनेगी भी, वो कुछ देर की मेहमान होगी, याद रखना, मेरे से लिख लेना, क्योंकि डिक्टेटर आदमी सबको साथ लेके नहीं चल सकता है। ये झूठा झूठा नारा है इन लोगों का, सबका साथ सबका विकास, वो सारा फ्रॉड साबित हुआ। इन लोगों ने ED को एक्टिव किया, इन लोगों ने क्या बोलते हैं CBI, ED, लोकल एजेंसीज, पुलिस, पूरा विपक्ष को दबा दिया, केजरीवाल अंदर, उसके मिनिस्टर अंदर, हिम्मत सुरीन अंदर, महाराष्ट्र में कैसे इन्होंने गवर्नमेंट का तोड़ फोड़ किया। इस मुल्क को कोई संभाल सकता है वो कांग्रेस पार्टी है, इस मुल्क को कोई इकोनॉमिकली स्ट्रांग कर सकता है, मिलिट्री के हिसाब से स्ट्रांग कर सकता है, वो कांग्रेस पार्टी ने ही किया है, और कांग्रेस पार्टी ही सब भी जातियों को, चाहे OBC हो, SC हो, ST हो, पहाड़ी हो, कश्मीरी हो, सब को, सरदार हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, सब को लेके अगर कोई चल सकती है, बुद्धिस्ट हो, कांग्रेस पार्टी लेके चल सकती है। तो मैं एक बार और अपने तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इंडिया अलायंस को बढ़ चढ़ के वोट दिया, और ख़ासकर कांग्रेस पार्टी को इन 2 सीटों पे 10 लाख के करीब वोट दिया। तो कहते हैं इस गूंगी बहरी सरकार को एक धक्का और दो, एक धक्का और लग जाएगा, ये असेंबली में भी साफ होंगे और पार्लियामेंट में भी, उसके बाद जम्मू कश्मीर के लोग इनका नाम भी कभी नहीं लेंगे। शुक्रिया। कोई क्वेश्चन हो